सो वेलकम गाइज बैक टू माई चैनल, दिस इज़ ईशान राय। तो आज हमारे पास कोई एक ऐसी लाजवाब हमारे पास मशीन है और अनदर वन फ्रॉम Hyundai। Hyundai का तो फ़ैन है ही हम। तो आज हमारे साथ हैं सूरज भाई। सूरज भाई की ये एक गॉर्जियस सी मशीन है, ये i20 है 2018 मॉडल। तो भाई आज इसके बारे में बताओ, इसमें क्या क्या काम कराया है भाई। वैसे तो देखा जाए अपने को बताना जैसे पब्लिक को, तो इसमें ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। बस ये है कि चलो थोड़ा कुछ है, बाकी बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन भी बहुत है गाड़ी में, कि मतलब जो बंदा शौकीन है, जिसका बजट थोड़ा कम रहता है, तो वो भी करा सकता है। तो इसके स्टार्टिंग में ग्रिल से आप बताना शुरू करो कि क्या क्या था इसमें, कैसे कैसे कराया। ग्रिल की बात करते हैं, तो ग्रिल हमने जैसे अगर स्टॉक वाले i20 देखते हैं तो उससे थोड़ी ब्रॉड लगती है अपनी, क्योंकि जैसे मेरी ये जो ऊपर वाली ग्रिल है और ये नीचे वाली जो ग्रिल है, इन दोनों को हमने मर्ज करवा दिया आपस में। ये एक ग्लॉस रैप है उससे करवाया है, प्लस इसमें क्या है एक रेड लाइन का टचअप दिया है जो पूरी यहाँ हेडलाइट तक कवर करता है। तो आप देख सकते हो ये लुक्स अपील कर देता है बहुत ज़्यादा। प्लस हमने यहाँ पे डीक्रोम कर दिया क्योंकि ये ग्रिल के साथ बहुत मैच हो रहा है, क्योंकि क्रोम और ब्लैक का इतना जा नहीं रहा था, इसलिए डीक्रोम करके जो स्प्रे पेंट्स आते हैं नॉर्मल वाले उनसे करा है। और बाकी इसमें अगर देखें तो एज सच ग्रिल में इतना ही है, बाकी मैश ग्रिल का भी आपको ऑप्शन मिलता है, पर उसमें थोड़ा नंबर प्लेट का इशू आ जाता है कि वो निकल के गिर जाती है। तो इसमें फॉग लैम्प के ये अपने कुछ आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है कि नहीं जी? अभी फॉग लैम्प इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपको पता है विंटर्स आने वाली है, तो अपने को हैलोजन से ही ज़्यादा काम होता है। विंटर्स में अगर LEDs एंड ये लगवाते हैं तो अपने को ही दिक्कत आती है। अगर बाद में बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स है, इस पर मैंने अपर लिप का काम करवाया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या है, जो एजी लुक आ रही है अगर इसका। हाँ मतलब किसी को भी ये भी लगेगा कि इसमें हेडलाइट ब्लॉक होती है पास होने में, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और शॉट दिखाएंगे हम आपको थोड़ा नाइट का, बेसमेंट में जाके जैसा भी है हम थोड़ा करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हेडलाइट इसमें ना के बराबर ब्लॉक होती है। 19 बस हाई बीम पे थोड़ा आएगा ही फ़र्क। तो ये अब हम आ गए थोड़ा नाइट व्यू आपको दिखाने के लिए। और अब और भाई इसमें अब क्या जो लोगों की प्रॉब्लम बोलते हैं कि लाइट ढक जाती है, या क्या इसमें कुछ है फर्क आपके हिसाब से? आपके सामने है, वैसे लो बीम में तो कोई फर्क नहीं है इसमें, बाकी हाई बीम करना भाई। हाई बीम करके दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो यार हाई बीम में लो बीम में, तो यहाँ पे एज सच तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा। और ये फॉग लैम्प आप देख सकते हो, तो मोस्टली लाइट का लॉन्ग ड्राइव पे जब कराने के बाद गई है वैसे गाड़ी? नहीं हाँ हाईवे पे गई है, पर ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। अब बाकी नाइट में मेरी बहुत रेयर ही चलती है गाड़ी, तो लुक्स मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो अब इसके साइड की तरफ आते हैं, तो इसके टायरों में और इसके अलॉयज का कुछ अब बहुत अपीलिंग सा लुक आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ भाई। तो अलॉय की बात करते हैं, तो अलॉय में हमने नियो व्हील्स के जो कंपनी है नियो व्हील्स, उसके हमने अलॉय डलवाए हैं इसमें। ये इसमें आपको जो मैंने डलवाए हैं वारंटी वाले थे, इसमें एक नॉन वारंटी भी आते हैं। वारंटी इसमें ये होती है कि जो आपका जो कलर्स होते हैं ये अगर ये मतलब फेड हो जाए विदाउट आपकी मिस्टेक से, तो क्या है कि जो जहाँ से भी जिस आपने शॉप से लगवाया है तो वो आपको न्यू पीस लगा के देगा। इसका वारंटी कार्ड भी आता है। प्लस अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स की प्रोफाइल आप देख सकते हैं 205/50R16 है, 16 इंच के हैं ये। पर हाँ ये एक्चुअली ये चाइनीज टायर है क्योंकि अपना अपना बजट होता है, तो इस चक्कर में ये है। बाकी अब चाइनीज टायर का इतना कुछ इशू नहीं है, बस ये है कि चलो हाँ अगर आप कंपनी से बात करते हैं कंपनी और जाएं तो थोड़ा आपको पता है फ़र्क तो आता ही आता है। तो इसके ओवरऑल फ्रंट लुक और टायरों में और अलॉयज़ में कितना अभी तक आपने लगा दिया इसके? देखो जी अगर हम अलॉयज़ की बात करें तो अलॉयज़ का ये कुछ ऐसा था, ये 30 के अराउंड अपने को अलॉयज़ पड़े थे, प्लस हमारे जो कंपनी वाले थोड़े टायर थे उनका कट कटा के जो अपने को टोटल अलॉय की कॉस्ट बैठी थी वो 55,000 के अराउंड बैठी थी विद टायर्स। हाँ जी, जो कि ये काम हमारा 28 सेक्टर चंडीगढ़ में ही हुआ था। अच्छा, मैं दिल्ली नहीं गया था इसके लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ को भी थोड़ा अपने को एक्सप्लोर करवाना है, क्योंकि अभी पब्लिक को इतना पता नहीं है। फ्रंट व्यू में एज सच आप देख सकते हैं थोड़ी रैपिंग और टेपिंग ही है, और ये तो सबके बजट फ्रेंडली में आई जाती है अगर किसी को लुक्स बढ़वाने हो अपनी। और इसके साथ साथ आपने और साइड में क्या काम करवाया है? साइड में जैसे हम देखें तो मैंने जो ORVMs हैं ये वाइट आते हैं, तो मैंने कंपनी से इन्हें ब्लैक करवा रखा है थोड़ी स्पोर्टी लुक देने, क्योंकि एक तो मॉडल भी हमारा स्पोर्ट्स है। और ये जो बैजिंग है ये मैंने सारे इसका डीक्रोम करवाए थे,
तो मैंने डीक्रोम करवा के ये वाला बैज आगे लगवा दिया। अच्छा वो पीछे जो लगा हुआ था। हाँ जी हाँ जी, जो पीछे आता है वो मैंने आगे लगवा दिया था। बाकी देखे तो आई पॉप है, ये जैसे डोर गार्ड की तरह यूज होता है। और पीछे की तरफ, पीछे से अगर हम बात करते हैं तो पीछे वही अपना डीक्रोम वाला काम हो रखा है। प्लस गाइस इसमें बहुत बड़ी एक चीज हो रखी है, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, कुछ अलग हो रखा है कि आप जो 2018 में जितनी भी i20s देख रहे हो उसमें क्या है कि ये चीज है आपकी, ये पूरी ब्लैक आती है, ये वाली पूरी चीज ब्लैक आती है। ये मैंने व्हाइट पेंट करवा दिया ताकि लुक इसकी अपीलिंग आए, क्योंकि वो रेड जो पट्टी सी लगती है, वो ब्लैक वाली जो है पट्टी सी, वो बहुत अनोइंग लगती है कि मतलब लुक सा नहीं आता गाड़ी में। और मैं इसमें एक एग्जॉस्ट टिप देख रहा हूँ, तो इस एग्जॉस्ट के बारे में क्या बताएंगे आप? एग्जॉस्ट टिप नहीं है एक्चुअली, क्या है ये मफलर है, एग्जॉस्ट का मफलर है एक्चुअली। आपको पता ही है चंडीगढ़ के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, तो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, पर हाँ इसमें थोड़ी बहुत आवाज का वो आता है डिफरेंस। हाँ डिफरेंस अगर ऑन करते हैं तो आपको आवाज में सुनाई देगा। प्लस यहाँ पे अभी जैसे दिल्ली में तो ये चीज बहुत इन है, ये जो आप टो स्ट्रैप देख रहे हैं ये एक्चुअली लुक्स के लिए होता है। प्लस आपका ये होता है, ये बहुत मजबूत एक चीज होती है, टो स्ट्रैप करके कहते हैं इसे। अगर जैसे जिन गाड़ियों में टो के लिए कोई जगह नहीं होती तो इसके अंदर से रस्सी निकाल के आप गाड़ी अगर कहीं फंस जाए तो उसके लिए भी आता है। प्लस लुक्स बहुत अपीलिंग आती है, तो पंजाब में ये ट्रेंड अभी आने में टाइम लग रहा है या आ चुका है, वैसे मैंने देखी है यहाँ पे भी गाड़ियाँ। तो भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का उनका हैंडल दिख रहा है, और इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैची एलिमेंट्स लगाए हुए हैं। तो अब एक चीज़ और बता दूँ कि ये गाड़ी ब्लैक्ड आउट मिरर्स के साथ नहीं है, ये क्योंकि पार्किंग में खड़ी रहती है इसलिए, और प्लस गर्मी से बचने के लिए इसके ऊपर शेड्स लगा रखे हैं। तो अब थोड़ा इंटीरियर की ओर थोड़ा मुड़ते हैं, चलते हैं भाई इंटीरियर। भाई अपने जैसे अपने को पता है शौकीन है तो सिस्टम तो होना जरूरी है गाड़ी में, है ना। तो जैसे आपको पता है कि i20 में क्या है कि जो कंपनी के भी जो स्पीकर्स आते हैं वो बहुत, अगर मारुति हो गई या वैसे हम किसी कंपनी को वो नहीं कर रहे, पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो स्टॉक इसके वो आते हैं स्पीकर्स वो बहुत बढ़िया आते हैं। तो हमने क्या करा है, अभी तो जो स्पीकर्स है वो स्टॉक रख के एम्पलीफायर और सिर्फ बूफर करवाया है ताकि मैं भी थोड़ा देख सकूं कि कंपनी का क्या है। बाकी मैंने प्लेसमेंट सीट के नीचे ये एसी, हाँ जी हाँ जी इसके नीचे ही है, आप देख सकते हैं। ओके ओके, तो ये कौन सा वाला लगवाया हुआ है? ये पैनासोनिक का है, 4 चैनल लैंप है ये। इसमें आपको वैसे मैंने अभी सिर्फ इसमें वो जो बूफर है वो ऐड करवा रखा है, बाकी मेरे कंपोनेंट्स का थोड़ा चल रहा है, मैंने वो भी डलवाने, तो इसमें वो हो जाएगा सपोर्टेड। तो इससे क्या बैटरी पे कुछ फर्क पड़ता है? मोस्टली जो नए लगवाने वाले बंदे होते हैं, जो नए नए करते हैं ट्रायल, उन्हें लगता है कि क्या इस चीज से गाड़ी के परफॉर्मेंस और बैटरी पे फर्क आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस में तो इसका कोई रोल है ही नहीं, पर हाँ बैटरी की बात करें तो बैटरी का ये है कि नई गाड़ी में तो ऐसा कोई इशू आता ही नहीं है। हाँ ये है कि जैसे आप खड़ी गाड़ी में अगर आप चलाते हो तो थोड़ा वो है कि आपको 10-15 मिनट्स ही आप यूज करें, उससे ज्यादा ना करें। बाकी गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है कि क्या कंडीशन आपकी बैटरी की और जो भी है। बाकी क्या है कि अगर हम ऑन गाड़ी में चलाते हैं तो ऐसा सच कोई इशू नहीं आता इसमें, बैटरी पे तो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं हो। इसमें सीट का भी काम कराया हुआ है आपने? हाँ जी, सीट्स कवर्स में ये हुआ था कि इसकी जैसे बकेट फिनिश आती है तो मैंने इसमें नेपोलियन लेदर का सीट कवर डलवाए हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं अप्रोक्स 2 ईयर्स से ज्यादा ही हो चुके हैं, तो इसकी मुझे तो वैसे बढ़िया लगता है, पर हाँ गर्मियों में थोड़ा ये दिक्कत देता है कि क्या होता है कि अपना जैसे स्वेटिंग होती है तो आपको पता है वो तो चाहे नेपोलियन हो चाहे कोई सा भी लेदर हो आपको फेस दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो इसमें बैक कैमरा आपने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है? हाँ जी आफ्टर मार्केट लगवाया इसमें, क्योंकि आपको पता है कंपनी पहले जो 18 में आती थी उसमें नहीं देती थी। तो इसमें एयर बैग तो वही दो होंगे आगे वाले? हाँ जी हाँ जी दो ही हैं इसमें, बाकी आप देख सकते हैं इधर ये प्लेसमेंट है कैमरे की। ओके
हाँ जी, बाकी आफ्टर मार्केट मैंने जैसे लाइट्स हो गई, ये सारी तीनों लाइट्स हो गई, ये करवाया है। बाकी अगर हम देखें इसमें तो हमने एक ELY डलवाई है इसमें, नीचे एटमॉस्फेयर लाइट डलवाई है। और आगे प्लान्स क्या हैं इस गाड़ी के लिए? प्लान्स हैं कि जैसे अपना थोड़ा म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराना है इसमें, प्लस थोड़ा अलॉयज मैं थोड़े चेंज करवाने की सोच रहा हूँ। बाकी जो भी है आपको हाथों हाथ जैसे जो भी होता है हाथों हाथ अपडेट आते रहेंगे जो जो मेरी गाड़ी में काम होगा आगे। तो मोस्टली चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करने का भी प्लान है, क्योंकि दिल्ली देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अपने को भी पता कि बहुत ऑप्शन है, बस चंडीगढ़ में भी है अपना पंचकुला मनी माजरा साइड बहुत है, पर यहाँ पे है कि लोगों को इतना पता नहीं है, तो यहाँ के जो हिमाचल के हो गए आसपास के जितने भी एरियाज हम कवर करते हैं वो सारे दिल्ली की तरफ जाते हैं। माना कि दिल्ली बहुत बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है, पर अपने को क्या है कि हमें ऐसी चीज़ दिखानी है कि आपके नियर बाय भी हो, कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप नियर बाय जाके सही भी करा सको, क्योंकि आप बार बार दिल्ली तो चक्कर मार नहीं सकते ना इस चक्कर में। भाई ने गाड़ी अपनी बनवा रखी है, लाइट में आ जाते हैं। हाँ यहाँ ठीक है। तो भाई ने कुछ इस तरह अपनी गाड़ी बनवा रखी है, और अगर कुछ भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भाई ने एक स्पेशली वीडियो बनाई है जहाँ पे और बेहतर तरीके से उसने भाई अपने अपनी गाड़ी के बारे में बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और भी अब कुछ मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ और भी लोगों की दिखाएंगे गाड़ी, भाई ने बहुत अच्छा भाई ने काम करवाया हुआ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।